हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक न्यू प्लांट दिखाने वाली हूँ जिसका नाम है टेरेडस केंटिया सिला मोंटेना। ये देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसको कई नाम से बुलाया जाता है। ये सेकुलेंट फैमिली का है। इसको वाइट वेलवेट भी बुलाते हैं क्योंकि जो इसके पत्ते हैं वो आप देखिए, बिल्कुल ही एकदम वेलवेट के टाइप के सॉफ्ट हैं। इसके ऊपर ये जो एक वाइट कलर की आप देख रहे हो, ये एक लेयर बनी हुई है जो कि सर्दी के मौसम में ऐसा लगता है कि इस प्लांट पर बर्फ गिर गई है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको वाइट वेलवेट भी बोलते हैं इसीलिए, क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट, सुंदर और वेलवेटी इसके पत्ते हैं। और ये प्लांट जो है बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसको लगाना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने पर्पल हार्ट के बारे में बताया था, वैसे ही इस प्लांट में और उस प्लांट में एक सिमिलैरिटी यही है कि पर्पल हार्ट प्लांट में और इसमें जो फ्लावरिंग है वो सेम होती है। ये इसका फ्लावर एक छोटा सा आप देख रहे हैं, ये अभी सूख गया है। बहुत कम देर के लिए इसका भी फूल खिलता है, जैसे कि पर्पल हार्ट का। मैं आपको पर्पल हार्ट फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पर्पल हार्ट में जो फ्लावर है छोटा सा, ऐसा ही सेम फ्लावर इसके अंदर आता है। अभी वो सूख चुका है और दोनों को लगाने का तरीका एक ही है। इसकी भी आप स्टेम को ऐसे 2-3 इंच का स्टेम इसका ले लीजिए और नॉर्ड पार्ट से आप उसको तोड़ लीजिए, ये ऐसे करके, और इसको आप 1 इंच मिट्टी में दबा दीजिए। बस इसकी एक नॉड मिट्टी में चली जाए और फिर ये प्लांट आपका इजीली उग जाएगा। इसकी जो मिट्टी है वो आपको हल्की रखनी है, सेकुलेंट के टाइप की, और इसमें वाटरिंग आपको बहुत ही कम करनी है। जब आपको लगे कि ऊपर की मिट्टी ड्राई हो गई है तब आप इसमें थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। और सर्दी इसको ज़्यादा पसंद नहीं है, आप इस प्लांट को सर्दी के मौसम में बाहर तो रख सकते हैं पर बहुत ओस वाले एरिया में नहीं। इसको थोड़ा सा आप ठंड से बचा लीजिए तो इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ही ग्रीन कलर के रहेंगे और जहाँ पर भी आप रखेंगे आपको लगेगा इस पर बर्फ गिरी हुई है। और इसके ज़्यादा ठंड में इसके जो पत्ते हैं वो ऐसे सूखने लग जाएंगे, मुरझाने लग जाएंगे। जैसे ये इसमें मैंने बहुत सारे लीव्स निकालती रहती हूँ मैं, ऐसे सूख जाएंगे और स्टेम भी आपको लगेगा कि जैसे ड्राई हो गया है। तो आप इसको तोड़कर फिर से लगा दीजिए। सर्दियों में इसकी आपको फैब में कटिंग करके और बहुत सारे छोटे छोटे कटिंग्स आप गमले में लगा दीजिए तो ये बहुत ही बुशी हो जाएगा। और इसको आप बास्केट में भी लगा सकते हो। बास्केट के लिए ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये ऐसे पूरे ऐसे गिर कर और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और इस प्लांट का जो है एक और नाम है वेबकॉब स्पाइडर वॉर्ट। वेबकॉब स्पाइडर वॉर्ट इसको इसलिए बोलते हैं, ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। इसके जो पत्ते हैं इसके ऊपर ऐसा लगता है कि मकड़ी ने जाला बना दिया है। ये देखिए, हर पत्ते के ऊपर ये ऐसा लग रहा है कि मकड़ी ने इस पर जाला बनाया है, इसलिए इसका नाम जो है वेबकॉट स्पाइडर वॉब भी है, क्योंकि ये ऐसे लगता है कि मकड़ी के जाले बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप इसे ज़रूर लगाइएगा। और इसको जो है पर्पल हार्ट और इसको मैं एक साथ ही रखती हूँ क्योंकि दोनों के फ्लावर सेम आते हैं तो मुझे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। थैंक यू।